नजर आ रहा है। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है, चार चरण के चुनाव हो चुके हैं, पर दो चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही स्पष्ट हो गया कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 4 तारीख में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री की भाषा में गड़बड़ी दिखती है, परेशान दिखते हैं, गृहमंत्री कुछ भी बोल लेते हैं, पर असली बात यह है कि उनका प्रचार काम नहीं कर रहा है। कोई लहर नहीं है, नाराजगी है, लोग बदलाव चाहते हैं, किसान, श्रमिक, युवा, महिला, पिछड़े वर्ग, सब लोग हमारे गारंटी कार्ड से प्रभावित हुए हैं, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी से प्रभावित हुए हैं, उसका असर हुआ है। और आप देखेंगे 2004 में जो बदलाव और परिवर्तन आया था, किसी को उम्मीद नहीं थी 2004 में। हम 3 उत्तर भारत के राज्यों में चुनाव बुरी तरीके से हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इंडिया शाइनिंग था और लोग कहा करते थे, अरे भीष्म पितामह हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, वो कोई हरा नहीं सकता। पर मई 2004 में किसकी सरकार, किसको जनादेश मिला? लोगों ने अपना मन बना लिया है, चुपचाप तरीके से वो प्रधानमंत्री को अलविदा करके जाता है। प्रधानमंत्री ने कल नॉमिनेशन किया वाराणसी से और कहा कि यूपी में कांग्रेस का खात्मा भी नहीं। अभी देखते जाइए ना क्या होता है, देखते जाइए। अभी प्रधानमंत्री तो जो कुछ भी बोलना है बोल लेते हैं। प्रधानमंत्री का पूरा प्रचार हिंदू मुस्लिम करके रहा है, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। और आज कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता हूं, मुझे सार्वजनिक जीवन में रहना है लायक नहीं, बिल्कुल लायक नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जो गलती भी से भी सच नहीं बोलते, जो हमारा राष्ट्रीय मोटो है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, चार शेर उसके नीचे लिखा जाता है सत्यमेव जयते, पर ये पहले प्रधानमंत्री है जिसका मूल सिद्धांत है सुवे असत्यमेव जयते, झूठ बोलो और शासन करो, ब्लफ एंड रूल, ब्लफ मास्टर, बिल्कुल ऐसा ब्लफ मास्टर मैंने कभी देखा नहीं, दुनिया ने नहीं देखा। दावा किया जा रहा है कि मोदी लहर चल रही है, बिल्कुल लहर नहीं है, कोई लहर नहीं, सिर्फ जहर है, उनकी भाषा में जहर है, सांप्रदायिक जहर फैला रहे हैं, झूठ की महामारी फैला रहे हैं, तो कोई लहर दिखाई नहीं देती। अगर लहर होती तो ये इनकी भाषा में इतनी जरूरी क्यों भोगना है उन्हें, क्यों इतने परेशानी में है, क्यों बार बार ऑक्सीजन दे रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए, बार बार ये धर्म के लेकर मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी पर नहीं, महंगाई पर नहीं, विकास पर नहीं, तो जनता की मुद्दा, जनता के मुद्दे हैं, जनता की चिंता है उसके बारे में, श्रमिकों के बारे में नहीं। जो आरक्षण को लेकर हमने मुद्दा उठाया है, क्या 50% की सीमा जो है दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए, जो 50% का सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, हमने ये गारंटी दी है कि हम ये 50% की सीमा बढ़ाएंगे, इस पर तो प्रधानमंत्री चुप है। और कई राज्यों में आप देखिए वो 50% की सीमा पार हो चुका है, पर उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। सिर्फ तमिलनाडु का एकमात्र राज्य है जिसका कानून, आरक्षण कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया। हम कह रहे हैं जहां कहीं 50% की सीमा पार हो चुका है या पार होने की गुंजाइश है, उसको संवैधानिक संविधान उसका कवच बनना चाहिए।